साथियों, जनधन योजना के तहत पूरे देश में 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते तेलंगाना में खुले हैं। इन जनधन खातों में 55% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इसी तरह जो मुद्रा लोन दिए गए हैं, उसमें से 2/3 से अधिक लोन महिलाओं को दिए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत दिए गए लोन में से 80% से अधिक महिलाओं को दिया गया है। यहां तक कि रेहड़ी ठेले पटरी वाले देश के लाखों साथियों को भी केंद्र सरकार ने बैंकों से जोड़ा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत तेलंगाना में के भी हजारों साथियों को मदद मिली है। भाइयों और बहनों, तेलंगाना भारत में रिसर्च और इनोवेशन का भी एक बड़ा केंद्र है। कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर, दूसरे साजो सामान को लेकर जो काम यहां हुआ है, उसने पूरी दुनिया में करोड़ों जीवन बचाने में मदद की है। बीते 8 वर्षों से केंद्र सरकार इस इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। हैदराबाद में आधुनिक साइंस सिटी बनाने के लिए भी भाजपा सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। कुछ समय पहले नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायो मेडिकल रिसर्च जैसा आधुनिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद में तैयार हो चुका है। साथियों, भाजपा सरकार सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रोजेक्ट ही नहीं बना रही, बल्कि गरीब और ग्रामीण परिवारों के बेटे बेटियों के प्रतिभा को भी प्रोत्साहन दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता दी है। अब आप ही बताइए, जब तेलुगु में टेक्नोलॉजी और मेडिकल की पढ़ाई होगी, तो तेलंगाना के गांवों की गरीब परिवार के माताओं के सपने सच हो करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए टैलेंट का पुल बड़ा होगा या नहीं होगा? भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को रामागुंडम खाद कारखाना भी सशक्त कर रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि बीते दशकों में देश के जो अनेक खाद कारखाने बंद हुए थे, उनमें से ये भी एक था। 2015 में हमने इसको फिर से चालू करने के लिए काम शुरू किया, लगभग 6,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब यहां फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू हो चुका है, बहुत जल्द इसको भी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। ये तेलंगाना के किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इससे खाद पर हमारी विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान हो, उनको अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिले। तेलंगाना में पानी से जुड़े लगभग 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के 5 बड़े प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार काम कर रही है। बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के धान किसानों से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा है। धान किसानों को लागत का 1.5 गुना पैसा भी दिया है। इस बार भी धान की एमएसपी में 80 रुपए की वृद्धि कर उसे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा कर दिया गया है। भाइयों और बहनों,
खेती हो या उद्योग, हर सेक्टर के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर।